गलत नाम से बुक हो गया है ट्रेन का टिकट या हो गई है कोई भारी गलती तो घबराए नहीं, करें ये काम। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके यात्रा का सबसे सस्ता, किफ़ायती और सुविधाजनक माध्यम ट्रेन ही है। कई छोटी से बड़ी यात्रा के लिए हम ट्रेन को ही जरिया बनाते हैं। ट्रेन से यात्रा के लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है। यात्रा छोटी हो तो काउंटर से टिकट लेते हैं, यदि यात्रा लंबी हो तो रिजर्वेशन करवाना होता है। रिजर्वेशन के लिए या तो हम काउंटर पर जाते हैं या ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। व्यवस्था डिजिटल होने से रिजर्वेशन काउंटर की ज़रूरत कम हो गई है। ऑनलाइन की सुविधा होने पर हम घर बैठे ही आराम से टिकट बुक कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान जल्दबाजी में हम कुछ गलतियां भी कर जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। इन गलतियों में नाम, उम्र या जेंडर आदि हो सकते हैं। इन गलतियों के कारण उस टिकट पर यात्रा करने वाले को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो गलत नाम से टिकट बुक होने पर उस टिकट से यात्रा करने के दौरान TT ऐप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। कई लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते समय कुछ गलती हो जाती है तो वे घबरा जाते हैं। कई लोग तो टिकट भी कैंसिल कर देते हैं, फिर कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा जानकारी के अभाव में होता है। ऐसे समय में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी गलती होने पर आप क्या कर सकते हैं। अगर ई टिकट पर यानी ऑनलाइन टिकट पर कुछ भी गड़बड़ हो गया है तो आपको सफ़र शुरू करने से 24 घंटे पहले अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। यहाँ आप चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र से मिल सकते हैं। चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र यानी CRS किसी भी तरह की गलती को सुधारने के लिए ऑथराइज्ड होते हैं। इस दौरान आपको वैलिड ई टिकट के साथ ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिखाना होगा। फिर उन्हें आप टिकट में हुए गलती की जानकारी देंगे। यहाँ वे आपके टिकट पर स्टाम्प लगा देंगे। यदि किसी कारण से आप CRS से इन गलतियों में सुधार नहीं करवा पाते हैं तो यात्रा के दौरान अपने साथ पहचान पत्र या प्रमाण पत्र आदि लेकर जा सकते हैं और TT को इसकी जानकारी दे सकते हैं। TT मानवीय गलती समझकर आपके टिकट को वैलिड कर देंगे। यदि आपको अपने टिकट को अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम करवाना है तो ये भी संभव है। इसके लिए आपको अपने स्टेशन से ट्रेन खुलने के 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। यहाँ आप मौजूदा कर्मचारी से इसके लिए अनुरोध करेंगे। इस दौरान आपको अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप की फोटोकॉपी और ओरिजिनल ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि ले जानी होगी। फिर आपका टिकट आपके परिवार के उस सदस्य के नाम कर दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपसे टिकट बुक करते समय कोई गलती हुई है? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।